नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर वसई विरार अंतर्गत चुनाव से संबंधित था, लेकिन ये चुनाव वसई विरार महानगर पालिका का नहीं है। ये चुनाव है वसई के सबसे बड़े बैंक पसीन कैथोलिक बैंक का, वसई के सबसे पुराने 100 साल से अधिक पुराने बैंक बसिन कैथोलिक बैंक में आगामी 12 जून को संचालक मंडल का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे कैंडिडेट, उनका कैंपेनिंग शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि बसिन कैथोलिक बैंक काफी अहमियत रखता है, इसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और कहीं ना कहीं वसीन कैथोलिक बैंक एक प्रतिष्ठित बैंकों में गिना जाता है। इसके संचालक मंडल में चुनाव में प्रतिभागी होने वाले लोग इस समय जोश खरोश से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब यह तो बात हुई चुनाव की, लेकिन वहीं बात की जाए इस चुनाव में नियमों की अनदेखी की, तो जहां चुनावी कैंपेन हो रहा है उस चुनावी कैंपेन में नियमों को ताक में रखा जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको कुछ अलग अलग बैनर्स दिखा रहे हैं। ये बैनर्स उन कैंडिडेट के हैं जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। चुनावी कैंपेन करना, बैनर लगाना कोई गलत नहीं है, नियम के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के बैनर लगाना वो नियम के खिलाफ है। और ये जितने भी बैनर लगे हुए हैं इसमें हमें कहीं पे भी वसई विरार महानगर पालिका या सक्षम प्राधिकरण की परमिशन की कहीं भी नोंद लिखाई नहीं दी। किसी एक भी बैनर के ऊपर वसई विरार महानगर पालिका से परमिशन ली जाकर उसकी नोंद की गई हो ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इतने प्रतिष्ठित बैंक में चुनाव में हिस्सा लेने वाले भी जाहिर बात है प्रतिष्ठित लोग हैं, और वही लोग, बड़े लोग नियमों की अनदेखी कर नियमों को तोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वहीं इस चुनाव को लेकर एक ऐसी बात भी सामने आई है कि जो काफी विचारणीय है। दरअसल ये जो बात है ये है एक कैंडिडेट को लेकर नेगेटिव कैंपेनिंग की कही जाए तो हम नेगेटिव कैंपेनिंग भी कह सकते हैं। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले एक कैंडिडेट जिसका नाम मैक्सवेल मिस्किटा है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है इस समय, और उस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मैक्सवेल मिस्किटा नामक जो कैंडिडेट है उसके लिंक पीएमसी बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड राकेश वाधवान से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि राकेश वाधवान के ऊपर पीएमसी बैंक घोटाले का आरोप था और उसमें वो नेशनल लेवल का मामला था, ईडी के पास वो मामला है जिसमें राकेश वाधवान अभी भी जेल में बंद है। और उसी मामले में, माफ कीजिएगा, और उसी राकेश वाधवान के साथ इस मैक्सवेल मिस्किटा के तार जुड़े हैं ऐसा इस पोस्ट में, वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है। साथ ही वायरल पोस्ट में जो दावा है मराठी में, ये पोस्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पोस्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि राकेश वाधवान के साथ में मैक्सवेल मिस्किटा की भागीदारी है। वसई का सर्वे नंबर, वसई सरेंडर गांव के एक सर्वे नंबर में 201 में हिस्सा नंबर 21 में 712 के ऊपर, एक ही 712 के ऊपर राकेश वाधवान का नाम भी है, उसी 712 के ऊपर मैक्सवेल मिस्किटा का नाम भी है। तो इस वायरल पोस्ट ने वसई विधान अंतर्गत ये बैंक चुनाव की कैंपेनिंग अंतर्गत एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया है। अब रही बात यहां पर चुनावी कैंपेन अपनी जगह पर है, नेगेटिव कैंपेनिंग लोग करते हैं,
एक प्रत्याशी को गिराने के लिए दूसरा प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप लगाता है वो अपनी जगह पे। लेकिन इस मामले में जो आरोप लगे हैं यह आरोप काफी गंभीर है, तो क्या प्रशासन ने उन आरोप की जांच की है? यह विषय यह सवाल बड़ा है। अगर राकेश इसमें जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि राकेश वाधवान के साथ में मैक्सवेल मिस्किटा के कॉन्टेक्ट है या उनके साथ भागीदारी है, तो क्या ईडी ने इसकी जांच की? 2 साल से राकेश वाधवान जो ईडी के रडार पर है और ईडी के अपने कब्जे में है, क्या उन्होंने इस मामले की जांच जानकारी की? यह सवाल बड़ा है। दूसरी बात, अगर यह बात यह कैंपेनिंग नेगेटिव कैंपेनिंग सिर्फ किया जा रहा है और यह बात गलत है, तो मैथ्वेल मिस्किटा के खिलाफ गलत दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आरोप जो हम लगा रहे हैं अगर वो आरोप बेबुनियाद है तो किसी की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इस पूरे मामले को और इस वायरल पोस्ट के जो दावे हैं उनकी पड़ताल होना आवश्यक है। तो ये हम बात कर रहे थे पसीन कैथलिक बैंक से जुड़ी हुई। अभी के लिए इतना ही, हमसे जुड़े रहें। इससे आगे हम और आपको अलग अलग अपडेट और न्यूज देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।